गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो न्यू डे न्यू लोकेशन। आज हम जाने वाले हैं बाना हिल्स, बट क्योंकि फिर हम कल रात में लेट से आए थे और सुबह में थोड़ा उठने में लेट हो गया, तो हम फटाफट रेडी होकर आ गए हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए अपना फेवरेट इंडियन करी में, क्योंकि रास्ते में फिर कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो कल जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे भी थोड़ा इंडियन रेस्टोरेंट था, तो हमने उधर से ही डिनर करके हम आ गए थे, बट हम चाह रहे कि हम ब्रेकफास्ट करके जाए क्योंकि रास्ता भी थोड़ा दूर है, और उसके बाद फिर हमें फिर से यहाँ पे जितनी भी घूमने वाली जगह है ना सब में चढ़ाई चढ़ना पड़ता है, तो हमें फिर वापस चढ़ने में एनर्जी नहीं रहेगी तो हम नहीं कर पाएंगे, स्पेशली मुझे नहीं रहेगी, तो इसलिए मैंने सिड को बोला है कि खा कर ही चलते हो। तो भाई आलू पराठे आ गए हैं, पनीर पराठे आ गए हैं, और सच पूछो तो बहुत टेस्टी है। मिसाली चली गई कि दही में अपने चीनी डलवाने की, उसको थोड़ा खट्टा लगता है मुझे, बट कसम से आलू पराठे बहुत टेस्टी है, पनीर पराठे बहुत टेस्टी है। इसलिए हम ब्रेकफास्ट करने यहाँ पे आए और हम खा कर ही जाना चाहते हैं। सुबह सुबह ना अच्छा खाना मिल जाए तो दिन अच्छा रहता है, किसी महान आदमी ने जरूर खाया है। ऑलमोस्ट डन, बस अब निकलेंगे फटाफट, बाना हिल्स पे आपको दर्शन कराएंगे वहाँ के। चलो बाय गाइस। हेलो गाइस, तो फाइनली वी हैव रीच्ड बाना हिल्स, मतलब नॉट रीच्ड येट, अभी तो बस हम पार्किंग के पास ही हैं और टिकट्स लेने जा रहे हैं, बट यहाँ से भी हमें दिखाई दे रहा है रोप पे और बहुत ही बढ़िया मौसम, सो वी आर वेरी क्लोज, बस चलते हैं। ये है टिकट हाउस और पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, एक घंटे के अंदर अंदर, इनफैक्ट 45 मिनट्स के अंदर अंदर हम पहुंच गए, और दूसरी चीज़ गूगल मैप फॉलो कर रहे थे तो उतना दिक्कत नहीं हुआ, एक बार में सही जगह आ गए, सो गुड है। बाकी का आगे का बताते हैं, जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। सही टिकट काउंटर है और टिकट हमने खरीद लिया है, टिकट हम ये लाइन उसी के लिए, पर वो बोल रहे हैं कि शायद ऊपर में आज मौसम अच्छा नहीं, जैसे सिर ने बताया कि बारिश हो रही है, सो मौसम ख़राब होने के बाद वो भी इन्फॉर्म कर रहे हैं आपको कि वहाँ पर लोगों को दिखा दो ऊपर का मौसम कैसा है। वहाँ का वेदर जो कि उतना क्लियर नहीं है, और टिकट लेते समय उन्होंने ये भी बोला कि ऊपर वेदर ठीक नहीं है, तो आप मतलब स्किप भी कर सकते हो, अपने रिस्क पे जा सकते हो। हाँ, बट वैसा कुछ नहीं है, तो चलिए देखते हैं, हमारे पास एक ही दिन का टाइम है तो हमें तो जाना ही है, तो हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। ओके गाइस, सो फाइनली हम बाना हिल्स पहुँच चुके हैं, एंट्रेंस पे खड़े, आपको एंट्रेंस भी दिखाएंगे अभी वॉक करते हुए। तो सबसे पहले हमने टिकट ले ली और यहाँ के हिसाब से 850 डोंग्स शायद। तो चलो अब एंट्रेंस की तरफ चलते हैं, ये रहा आपका एंट्री गेट। हम जा रहे हैं केवल घाट की तरफ और यहाँ से हम बाना हिल्स पे पहुँचेंगे। तो अभी जस्ट हमने एक्सीलेटर ले लिया, हम बाना हिल्स की तरफ जा रहे हैं अब ऊपर की तरफ, और टिकटिंग आसान था, सब कुछ आसान है आपको, मतलब उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी ढूंढने में। होटल से हम यहाँ तक भी आराम से आ गए, अंदर भी अब आराम से आ गए, बस मैं जैसा बता रहा था कि लोकेशन तो ठीक है बट वेदर यहाँ पे अक्सर ख़राब होता रहता है, जैसा अभी भी बारिश का माहौल था और काफ़ी कोहरा था, तो आई एम होपिंग कि वीडियो फोटोज ठीक ठाक बन जाए ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊँ बाना हिल्स कैसा दिखता है। एक्साइटमेंट बिल्कुल ही अलग है, तो अब केबल कार में चल के काफ़ी ऊपर जाना है हमें, तो थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ा मज़ा भी आ रहा है, और सिट को वैसे ओह केबल कार आ गया है, ये है केबल कार स्टेशन, अब हम यहाँ से केबल कार लेंगे और ऊपर जाने वाले हैं गाइस। बात करते करते केबल कार आ भी गए, हम बोले थे आने वाला है आने वाला है, भैया ये पहुंच गया। चलो फिर केबल कार भी पर लाइटिंग तो बहुत ही सुंदर है आज। गाइस बहुत ऊपर आए हैं हम, पता नहीं कितने फीट पे आए, मैंने देखा नहीं है, बट आप पीछे देख सकते हो सिर्फ फॉग है यहाँ, कुछ दिख नहीं रहा। टिकट लेते समय भी उन्होंने हमें बोला था
कि ऊपर का वेदर टीवी में दिखाया जा रहा है, आप जाना चाहते हो या नहीं, बट हम आ गए बट बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा और बहुत मस्त। ये अब तक की हमारी सबसे लंबी केबल कार राइड, हाँ ऐसा लग रहा था कि खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। और मुझे याद आ गई थी वाली वीडियो, और मैं आसमान की ऊंचाइयों में कोहरा ही कोहरा। सो आप ऊपर आते हैं, यहाँ पे फूड कोर्ट है, आप यहाँ पे कुछ खा पी सकते हो, रिलैक्स करने के लिए चेयर्स हैं। वैसे हम इतने थक के नहीं आए, केबल कार से आए तो रिलैक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ शॉप है, आप खरीदारी भी कर सकते हो। ये खाने की शॉप है, स्वीट डिलाइट्स। और अब हम ऊपर जाने वाले हैं। ये है गोल्डन ब्रिज। बहुत मज़ा आया हमें, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो आप जब भी यहाँ पे आओ तो रेनकोट लेकर आना। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप भीग सकते हो, बहुत तेज़ बारिश नहीं है, बट क्योंकि हवा बहुत तेज़ है तो आप छाता नहीं ला सकते हो, सिर्फ का छाता खुलते हुए थोड़ा सा टूट, छाता नया छाता खोलते ही फड़ा नीचे से हमने खरीदा, तुरंत टूट गया। सो अभी यहाँ पे और भी राइड्स है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सिट की फेवरेट राइड है, वो चेक करके आया था कि ये करना है, बट क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ राइड्स बंद है, तो जब भी आप प्लान करो तो देख लेना। वैसे तो मौसम यहाँ पे ऐसा रहता ही रहता है हमेशा, मतलब कुछ चेंज होते रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अभी बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है तो राइड्स बंद है और हम राइड्स पे जा नहीं सकते। बस आपको आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा। गाइस आ जाइए, शिवास, जॉनी वॉकर, रेड लेबल, ब्लू लेबल, सारे लेबल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, सस्ते दामों में लगा दूंगा, होल सेल मार्केट है गाइस, तो आइए ट्राई कीजिए और बोतलें पेटी ले जाइए। मेरे प्यारे दोस्तों ने कहा होती हो कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, भाई इतना बड़ा मोर रहेगा तो सारे लोग देख लेंगे। ओके सो अब हम जा रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, और इसका एंट्रेंस देखो आप, गोल्डन ड्रैगन, तीन तीन गोल्डन ड्रैगन है। अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं, सिट की एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं रही, वो चलते ही जा रहा वेट की, हाँ गुड। और ना बहुत बारिश हो रही है, ये स्लिपरी भी हो रहा है, तो हमें थोड़ा ध्यान से चलना पड़ रहा है। हवा का रुख बदल रहा है, हवा बहुत तेजी से चल रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना ठंडा है यहाँ, कंटिन्यूस बारिश, ऑलमोस्ट सब गीले गीले ही हो गए यहाँ पे। तो थोड़ा आराम से करना पड़ेगा वरना गिरने के चांसेस हैं, मतलब उसी मौसम में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और आप देख सकते हो कितनी तेज हवा चल रही है। अपना जैकेट खोल के दिखा रहे हैं कितनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे।
ओके, तो हम फिर से वापस आ गए हैं केबल कार में, क्योंकि अब हम जा रहे हैं फ्रेंच विलेज। उसके लिए भी आपको सेकेंड टाइम केबल कार लेना पड़ेगा, और ये यहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो अब ऊपर जाते हैं और देखते हैं। फ्रेंच विलेज आ गए, पहले हमें लगा था यार इतनी छोटी जगह फ्रेंच विलेज तो है ही नहीं, कहाँ है। फिर पता चला हमने एक और केबल कार ले ली है, तो आसमान के भी और ऊपर सातवें आसमान पे लाए हैं, और अब हम यहाँ पे जाएंगे दोनों जगह पे। चलिए चलते हैं। और यहाँ पे मौसम आप देख सकते हो, और पीछे यहाँ की बिल्डिंग आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बट इतना क्लियर नहीं है। हम भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें दिख जाए, बट व्यू उतना क्लियर नहीं, बट कोई बात नहीं, बहुत मजा आ रहा है कि खुली आंखों से जो चीजें दिखती है कैमरा कैद नहीं कर पाता, चाहे कितने भी मेगापिक्सल लगा दो, चाहे जो भी लगा, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा यहाँ की सुंदरता देखने के लिए। हम जितना भी आपको बताए, बट जितना हो सकता है उतना हम वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निकलने के लिए तैयार हो गए एक और सफर पे। ये पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, हमें कहीं ले जा रही है लूनर कैसल के तरफ, तो हमने बोला चलो चल के घुमाते। वैसे रूट अभी हम अम्यूजमेंट पार्क रहे थे और फ्रेंच के लिए देख रहे थे, पर इतना कोहरा है कि हमें समझ में नहीं आया, तो हम वॉक करते करते इस ट्रेन में आ गए। आप जिधर जा रही है जाते हैं भाई। अभी हम फैंटेसी पार्क आ गए, और ये भी बहुत खूबसूरत है पीछे, यहाँ वेरी ब्यूटीफुल गाइस, वेरी ब्यूटीफुल। आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए, बहुत ही सुंदर है। सो नेक्स्ट राइड, आज सिट को राइड में बहुत मजा आ रहा है, इसने एक राइड कर लिया, अभी दूसरा राइड में जाने बहुत ही मजा आने वाला है। Dashing cars. और अभी हमने एक गेम ऑलरेडी हार लिया, तो हम नहीं चाह रहे कि अब इसमें भी जाएं। और पिछले वाले गेम में बहुत बुरी तरह हारने के बाद अब हम थोड़ा रुक के खेलेंगे, क्योंकि बार बार हारना भी अच्छा नहीं है। बट गाइस, बाना हिल्स इज वेरी वेरी बिग, तो कई बार ऐसा होगा ना कि आप आधी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करोगे, घर चले जाओगे। सो आई विल मेक श्योर कि वीडियो बनाऊँ आपको थोड़ा गाइड करने के लिए। हालांकि मुझे खुद इतना नहीं पता चला है क्योंकि कोहरा काफ़ी था ना, तो मुझे दिख नहीं रहा था कि किस डायरेक्शन में जाना है। बट आई मस्ट से कि बहुत सारी जगह है, तो आप अगर कभी भी बाना हिल्स आते हो, ऑफकोर्स आना ज़रूर आना अगर आते हो तो। और दूसरी चीज़ कि अर्ली मॉर्निंग आना, 8 बजे खुल जाता है, कोई करो 8:30 आप पहुँच जाओ, तब पूरा दिन होगा एक्सप्लोर करने के लिए, वरना आप आधे ही घूम के जाओगे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। सो ओके गाइज, हम एग्जिट पे हैं और हमने अपनी केबल कार राइड फाइनल वाली ख़त्म कर ली है। और ट्रस्ट मी, ये वाली जो राइड थी ना ऊपर से नीचे तक, ये अब तक की मेरे लाइफ की आई थिंक जितनी भी केबल राइड मैंने की थी सबको मिला भी देना तो भी उससे ज़्यादा लंबी थी। लगभग मुझे लगता है हम 10 मिनट तक हवा में थे। और एक्सपीरियंस पूछिए तो हमने दिन भर मतलब सैर सपाटा किया, सब चीज़ें घूमी, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि हमने 40-50% ही कवर किया, अभी भी बहुत कुछ बाकी रह गया, चाहे वो फन राइड्स हो या फिर ब्यूटीफुल मतलब वहाँ पे गार्डन्स जो थे वो, या फिर वहाँ पे खाने पीने के रेस्टोरेंट्स, मतलब क्या नहीं था वहाँ पे। और एक चीज़, हाँ, यहाँ पे स्टे का भी है, आप ऊपर स्टे कर सकते हो। मेरे सामने बहुत सारे लोग लगेज ले गए, तो हम कन्फ्यूज थे कि लगेज क्यों लेकर जा रहे हैं, बट जब हम लास्ट में निकल रहे थे तो वहाँ पे हमें पता चला कि आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ से नीचे टिकट करा के आओगे, आप यहाँ स्टे कर सकते हो, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी घूम सकते हो। पर जो स्टे है शायद उसके चार्जेस हैं, तो आपको चार्जेस यहाँ पे रूम या होटल बुक करनी पड़ेगी, एंड देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब भी जितने दिन आप रहना चाहते हो फिर आओ। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप इधर आते हो, मतलब मैं तो करूँगी ऐसा कि मैं यहाँ पे आऊँगी, टिकट लेकर ऊपर जाऊँगी, एक दो दिन का स्टे लेके, ताकि ना एक दिन में ये कवर नहीं हो रहा। जैसे सिद्ध ने बताया, हम 50% ही घूमे और हमें लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें छूट गई है, तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से पूरा कवर करेंगे जो बचा, एंड देन फिर वापस जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप कर सकते हो।
दूसरी दुनिया है गाइस, एक अलग दुनिया में ले जाएंगे आपको। क्या चीज़ नहीं मिलेगी यहाँ पे, चाहे थिएटर्स हो, लाइव परफॉर्मेंसेज हो, या फिर खाने पीने की बात करें, आप खरीदने के लिए सोवेनियर्स लेने जाना हो, बहुत सारी चीज़ें, गेम्स भी बहुत सारे हैं, झूले भी बहुत सारे हैं, मतलब जन्नत है जन्नत। मतलब तो मेरा बर्थडे बहुत अच्छा चला गया, ये हमारा मेरा बर्थडे ट्रिप था एंड फाइनली सिडको, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया मुझे, इससे अच्छा गिफ्ट अभी तक नहीं मिला मेरे को, सो थैंक यू। तो नेक्स्ट टाइम जब दनांग की टिकट कटाओगे तो वियतनाम में जब भी आ रहे हो तो याद रखना बाना हिल्स शुड बी ऑन योर टॉप लिस्ट। ओके, तो सी यू एंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस। और अगर चैनल को सपोर्ट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, क्योंकि ये सारी वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम आए आपको थोड़ी हेल्प हो जाए।